नमस्कार दोस्तों, यशका किचन में आप सबका स्वागत है। वीडियो को चालू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जैसे कि मैंने ये चैनल 2017 में स्टार्ट किया था और आपने अपना प्यार देकर मेरे चैनल को एक महीने में ही मोनेटाइज कर दिया था, किसी कारणवश मैं काफ़ी टाइम से अपने चैनल पर वीडियो नहीं डाल सकी। इसकी वजह से मेरे चैनल पर आज बहुत खतरा हो चुका है। तो दोस्तों, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि मेरा चैनल वापस से ग्रोथ में आ जाए। इसके बाद हम आज की वीडियो के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे एक नारियल दिख रहा है, आज की हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको कम नींद आती है, जोड़ों में दर्द रहता है और हर वक्त उन्हें अपने शरीर में आलस्य का महसूस होता है। तो ये जो रेसिपी हम लेके आए हैं, ये मेरी दादी माँ का नुस्खा है। इस रेसिपी को आपको सुबह और शाम को एक एक चम्मच दूध के साथ लेना है। इससे आपको अपनी सेहत में बहुत एनर्जी महसूस होगी और आपको नींद अच्छी आएगी और आपके जोड़ों में दर्द भी नहीं होगा। ये वाला नुस्खा हमें 108 साल की उम्र वाली दादी माँ ने बताया था और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी दादी माँ के इस रेसिपी को सबसे ज़्यादा शेयर करूँ ताकि सब लोगों का भला हो सके। बहुत ही इजी रेसिपी है, आप इसको स्क्रीन पे देखते जाइए, आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी ये रेसिपी। कोकोनट को हमने यहाँ पर एक मोटी रोटी बनाकर इसको कवर किया है। उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने पे ये खाली ऊपर से रोटी फ्राई होगी, इसके अंदर का जो सामान है वो फ्राई नहीं होगा, उसे सिर्फ सेका जाएगा। सेक कर यूज किया गया सामान हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इस कोकोनट को हम गर्म ऑयल में फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद हम इससे के ऊपर हमने जो रोटी का कवर किया है उसको निकाल कर एक साइड पर रख देंगे। उस रोटी को आप चीड़ी कागले को डाल सकते हैं और उसके अंदर जो सामान है आपको उसको मिक्सी में पीस कर रोज़ सुबह शाम एक चम्मच दूध के साथ लेना है। इससे आपको अपनी सेहत में बहुत फ़ायदे महसूस होंगे। जैसे कि हमने बताया है कि दादी माँ ने बोला कि इससे हमें नींद अच्छी आएगी और जोड़ों में दर्द भी नहीं होगा। और जब आपकी एज ज़्यादा होगी 50-60 के ऊपर तो भी आपके शरीर में इससे एनर्जी रहेगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप चाहते हैं कि हमारा चैनल आगे ग्रो करे, इसी तरह हम आपके लिए अच्छी से अच्छी रेसिपी लेकर आएं, तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी तरह देखते रहिए और देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।